हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आप देख रहे हैं मनप्रीत व्लॉग। तो गाइस, सुबह का टाइम है, व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह से, और ये दोपहर तक का जो है छोटे छोटे क्लिप आपको ऐड करके बताऊँगी। तो यहाँ सुबह का सबसे पहले सुबह का काम होता है चाय बनाना। चाय बना के कैटल में रख दूँगी और उसके बाद बाकी का जो काम है वो देखूँगी। और ये इसके साथ ही मैंने चाय और पराठा बनाया था नूर के टिफ़िन के लिए। बनाने के बाद मैं नूर को उठाती हूँ, और अगर पहले जाग जाऊँ तो नहाना वहाना पहले कर देती हूँ, अदरवाइज़ वो बाहर हो जाता है सफ़ाई, बाद में हो जाता है सफ़ाई करने के बाद। और यहाँ पे नूर की चोटियाँ बना रही हूँ। सुबह का टाइम बिल्कुल ही हेडेक वाला होता है, बहुत ही ज़्यादा बिजी होता है, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे अपने मन से मतलब उठते हैं, उनको उठाना और उनको तैयार करना, फिर इन सब चीज़ों में काफ़ी सारा टाइम लग जाता है, तो मैं शूटिंग नहीं कर पाती हूँ। तो हॉलीडेज़ आने वाली हैं, अभी चल रहे हैं एग्ज़ाम, और यहाँ पे मैंने नूर को पकड़ाया थोड़े से क्लिप लेने के लिए। और ये रिबन के बनाते हैं हम, फोल्ड करके करते हैं ना चोटियाँ, करेले बोलते हैं यहाँ पे, करेले करती हैं, लेकिन ये मैडम बोल रही है कि ऐसे नहीं करना, ऐसे कुछ ऐसे स्टाइल से करनी है चोटी। तो जैसे वो बोल रही है वैसे मैंने चोटी बना दी है। और इसके साथ ही युवराज भी साथ ही में आ जाएगा, क्योंकि उसको पता होता है कि इस टाइम जाना होता है वैन में छोड़ने के लिए हर नूर को, तो वो भी साथ में ही लपक पड़ता है, चिपकता है साथ में। तो गाइस, चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और मैं आज जो है वीडियो एडिटिंग न्यू ऐप से कर रही हूँ, जो पहले ऐप यूज़ करती थी उसको मैं मतलब ट्राई करना चाहती हूँ, कि नई नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए ना। तो सोच रही थी कि कुछ नई ऐप यूज़ करके देखती हूँ, शायद वीडियो क्वालिटी और बाकी चीज़ों में इफ़ेक्ट पड़े। तो गाइस, वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे मैडम ने अपना हाथ रख दिया कैमरे के ऊपर, तो वो बस चल रहा है। तो उसके बाद आज कपड़ों का काम है, कल संडे था, कपड़े धो नहीं पाई क्योंकि कल का जो बच्चों के साथ काफ़ी टाइम एक्स्ट्रा हो जाता है, मतलब टाइम नहीं, काम एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो जो करने होते हैं वो रह जाते हैं। तो बस ये छुट्टी वाले दिन का सिर्फ ये मैंने कहता है कि थोड़ा लेट हो जाते हैं हम, अदरवाइज जल्दी उठना पड़ेगा, पढ़ने का काम चलेगा। और गाइज, बस वीडियो को पूरा देखिए आप, पता नहीं आजकल यूट्यूब मेरे वीडियोज़ के कम इम्प्रेशन क्यों भेज रहा है, कुछ मिस्टेक चल रही है शायद। और यहाँ पे काफ़ी टाइम हो चुका है, और चने खा रही थी मैं, तो युवराज भी खा रहा है। एक्चुअली इसे चने देने नहीं चाहिए, क्योंकि अभी छोटा है, गले में फंसा सकता है, लेकिन मैंने टेस्ट कर लिया है, ये चबा लेता है। इनकी छोटी छोटी जो है, जो बड़े दांत होते हैं, जाड़ होती है जो, वो निकल रही है, तो इसकी वजह से वो इसको चबा लेता है जो चने हैं। लेकिन फिर भी मैंने उठा लिए थे बाद में, उसको बहला के थोड़ा सा, कोई चीज़ से छीनो ना तो फिर भी ये बस लेट जाता है नाराज़ होके, फिर इसको चुप कराना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो गाइस, यहाँ पे चने मेरे को पकड़ा रहा है, वीडियो एंजॉय कीजिएगा, पूरा देखिएगा। तो यहाँ पे मैं बाहर धो रही थी कपड़े, और धूप काफ़ी ज़्यादा आ चुकी थी, तो गर्मी भी काफ़ी लग रही थी, इस वजह से बनाई मैंने लस्सी, दही की नहीं बनाई मैंने, ये बनाई है दूध की, और ये कच्ची लस्सी बन जाती है दूध की बनाई, और साथ में डाल दी है चीनी काफ़ी सारी, जो डोल होता है, डोल टिक्की बोलते हैं जो, उसमें बनाई थी बड़े बर्तन में। तो ये मैंने ट्रांसफ़र कर दी मैंने जग में, तो बस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप देख रहे हैं मनप्रीत व्लॉग। गाइस, धूप में खड़ी हुई मैं, क्योंकि कल संडे था और कपड़े धोने का जो काम है वो रह गया था,
क्योंकि बच्चे साथ में होते हैं तो फिर कुछ भी काम होता नहीं है। अभी कपड़े धो रही हूँ और एक बार कपड़े धो के मैं नीचे सुखा के ऊपर और नीचे ले जा चुकी हूँ। अब दूसरा जो है मेरा काम रह गया है, पगड़ियाँ जो हैं हस्बैंड की वो धोनी है। तो आप देखो मैंने कितनी धुलाई निकाली है, मतलब एक साथ ही। आप सोचोगे ये एक साथ ही इतनी सारी पगड़ियाँ क्यों धो रही है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। और चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे और रीज़न भी बताऊँगी कि इतनी सारी पगड़ियाँ क्यों धो रही हूँ मैं। ये ग्रीन है क्योंकि एक साथ वॉश नहीं कर सकते सभी, क्योंकि इनमें से रंग जो है कलर निकलता है ना। और एक यहाँ पे धुलने के लिए डली हुई है, ये है ब्लू कलर की, ये है ग्रीन कलर की, और आगे चलिए आपको बताती हूँ। ये है येलो कलर की, ये डार्क, ये लाइट येलो, और ये ऑरेंज कलर की, और ये वाइन कलर की, एंड ये कोको कोला कलर की, और एक अंदर पड़ी हुई है जो है रेड कलर की। तो इनको इकट्ठे नहीं धो सकते हैं क्योंकि इनमें से कलर निकलता है, तो एक एक करके ही धोना पड़ेगा। इससे टाइम भी काफ़ी लगता है, वैसे इतनी गंदी थी नहीं, वो तो एक वहम था निकालने के लिए धोना था इनको। ये यूनिफॉर्म डाली हुई है और नूर की एक यूनिफॉर्म मैंने धो डाली है, और साथ ही साथ में कपड़े सूख रहे थे तो मैंने साथ ही साथ नीचे पहुँचा दिए। यहाँ पर रखने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा है ना, तो कपड़े ख़राब हो जाते हैं इतनी धूप में। बस 15-15 मिनट मैंने धूप दिखाई और 15 मिनट में ही ये सूख गए कपड़े। ज़्यादा धूप दिखाएंगे तो इनका जो रंग है वो उतरना स्टार्ट हो जाएगा, फीका पड़ जाएगा। तो बस गाइस चैनल को कर दीजिए जल्दी से सब्सक्राइब। और यहाँ से फिर मैं साथ ही साथ जो है लंच की तैयारी कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने चावल लिए हैं, एक ग्लास चावल बनाऊँगी, और दाल मैंने सुबह ही बना दी थी। और ये चावल मैंने डाले प्रेशर कुकर में और लिड लगा दी। बस ये एक विसल में मेरे चावल बिल्कुल अच्छे से बन जाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलूंगी आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना।